हेलो दोस्तों, अभी मैं सोलापुर में हूँ और आज मैं अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है अपने घर में जा रहा हूँ। तो अभी रास्ते भर मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूँगा और अपना ये ट्रैवल ब्लॉग छोटा सा बनाने की कोशिश करूँगा। सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। वहाँ तक जाने के लिए मुझे 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ेंगी। पहली गाड़ी जो है सोलापुर से नागपुर बाई बस, देन फ्रॉम नागपुर टू रायपुर बाई ट्रेन, एंड देन फ्रॉम रायपुर टू अंबिकापुर बाई ट्रेन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अराउंड 30 आवर्स। तो अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं नागपुर पहुंचने वाला हूं। नागपुर का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है, रात भर मुझे पता नहीं चला कि मैं बस पे ट्रैवल कर रहा हूं। नींद अच्छी आई, सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, कहीं कहीं पर थोड़े बम्प से। ये है नागपुर का स्टेशन और मैंने नागपुर से रायपुर तक के ये ट्रेन पकड़ लिया है। अभी जस्ट फिलहाल स्टार्ट हुआ है ये ट्रेन। तो अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, मुझे पहुंचते लगभग 6:30 बज जाएंगे शाम के। ये देखिए, ये डायमंड क्रॉसिंग है नागपुर के पास, काफ़ी पॉपुलर बोल सकते हैं क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग का मतलब है कि 4 लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं एक दूसरे से। ये कुछ घर हैं, मोहल्ला हैं, कॉलोनीज हैं नागपुर में। लोग अपनी सुकून की ज़िंदगी यहाँ बिताते हैं। नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है इधर। अब मैं रायपुर पहुंचने ही वाला हूं। ये है रायपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 5 रेलवे स्टेशन। ये एक्चुअली मैंने रात को कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ये दिन की रिकॉर्डिंग है। रायपुर से अंबिकापुर की ट्रेन, तो मैं अंबिकापुर से कुछ ही दूरी पर हूं और ये सुबह का रिकॉर्डिंग है। काफ़ी ठंड है इधर सोलापुर में, जैसे कि कुछ खास ठंडी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन काफ़ी ठंड है। विदाउट जैकेट आप ऐसे खड़े होकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो ये फ़िलहाल मैं अपने घर पहुँच ही गया हूँ, मेरे बड़े भाई मुझे लेने आए थे स्टेशन पर। ये है मेरा घर, होम स्वीट होम।